तरफ से आज हाजिर हुए थे और क्या सुनानी होगी? औरंगाबाद पूर्व के चुने हुए उम्मीदवार अतुल जी सावे, इनकी तरफ से मैं आज सन्माननीय साहब के सामने, उनकी कमेटी के सामने हाजिर हुआ हूँ। पराभूत उम्मीदवार इम्तियाज जलील, इन्होंने एक कैफियत यहाँ पर डाल दी है, आचार संहिता का भंग अलग अलग मार्गों से अतुल जी ने किया है, सावे साहब ने किया है, ऐसी उनकी तकरार है। वो तकरार की अगली सुनावनी 4 तारीख को होने वाली है, आज हम हाजिर हुए। क्या तकरार है सर उनकी और क्या उसमें लगता है? अभी हमने ऑफिस को तकरार की कॉपी और उनका जो कहना है वो अभी हमने आज मांगा है, उन्होंने देने के बाद हम उस पर कुछ बात कर सकेंगे। काफ़ी वीडियोस वायरल हुए हैं, उसके मीडिया में भी चले हैं। मीडिया में जो वीडियो चले हैं वही यहाँ पर है नहीं है उसका भी कुछ पता नहीं है। जब तक ऑफिशियली हमें कुछ रिकॉर्ड पता नहीं आ जाता हमारे पास और हम उसे रिसीव नहीं कर सकते, तब तक उसके बारे में हमने कुछ कहना, अभी मैटर भी प्री जुडाइस हो गया है। ओके, क्या 4 तारीख को क्या होगा हियरिंग अभी नेक्स्ट? 4 तारीख को हमारा जो कहना है उनके तकरार के बारे में वो हम कमेटी के सामने रख देंगे और जो भी न्यायोचित फैसला कमेटी लेंगी वो न्यायोचित फैसला उस दिन लेंगी और क्या होता है देखते हैं 4 तारीख के दिन। सर योर गुड नेम? एडवोकेट अमित देशपांडे। देखिए मैंने कुछ कंप्लेंट्स दिया था, इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भेजा था, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को भेजा था, यहाँ के आरओ को दिया था, कलेक्टर को दिया था, पुलिस कमिश्नर को दिया था कि किस तरीके से भरत नगर इलाके के अंदर पूरा पोलिंग बूथ को है तो कैप्चर किया गया था। फिर मैंने अम्बेडकर नगर के अंदर खुले तौर के ऊपर पैसा बांटते हुए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांट रहे हैं, पूरी महिलाएं वो पैसा खींचने के लिए, ये पूरा विजुअल एविडेंस अवेलेबल है। मैंने हर एक को मेरी तकरार के साथ है तो एक सीडी दिया था और उसमें पूरे ये वीडियोस थे। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, वो 3 लोगों की कमेटी आज जिला परिषद के CEO विकास मीना साहब की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर उसकी पहली हियरिंग थी और जो हमारे विरोधी जो जीत कर आए हैं उनके भी वकील यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये मांगनी की है कि हमने क्या क्या शिकायत किए हैं उसकी कॉपीज़ हमें दे। हमने उनसे ये मांगनी की है कि आपने जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी ने इनिशियल रिपोर्ट दिया है तो वो इनिशियल रिपोर्ट क्या है हमें ये बता दीजिएगा ताकि हम है तो आगे बहस कर सके कि उनकी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है करके उसमें। तो अब इनिशियल ये था, उन्होंने नेक्स्ट डेट जो है वो 5 तारीख की दिए है, बुधवार के दिन, तो उस दिन है तो हमारे पास पूरे कॉपीज़ आ जाते हैं तो फिर आगे क्या होता है देखिए। दोनों पक्षों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट सादर किए हैं, शेयर किए हैं, उसके बाद में दोनों के जितने भी कंप्लेंस की कॉपी थी वो हमें रिसीव हो गई है और उसके बारे में एक चौकसी कमेटी हमने बनाई थी। उस कमेटी को भी हमने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट सादर करें, साथ ही दोनों पक्षों को हमने दोनों की तकरार की कॉपी और उसके साथ में अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको सादर कर दिए गए। कितने वीडियो आपको प्राप्त हुए और उसमें क्या आपकी? टोटल वीडियोस हमें 5 वीडियोस थी कंप्लेन के साथ में एंड उस वीडियो को हमने अपनी एक कमेटी स्थापित की थी जिसमें एडिशनल कलेक्टर DCP एंड RO कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो उसमें उनको कमेटी को दिया है एंड उनकी रिपोर्ट आने के बाद में हम उस पर निर्णय ले पाएंगे। कितना समय लगेगा? हमने इसके लिए अगले 4 तारीख को 4 दिसंबर को डेट दी है तो दोनों ही पक्षों का सुनने के बाद में वो डेट दी गई है एंड त्वरित निर्णय करने के लिए हम ऑलरेडी कटिबद्ध हैं एंड इलेक्शन कमीशन उसके लिए काम भी कर रहा है। आपकी जो कंप्लेन की दो साइड थी उसके ऊपर बार-बार कंप्लेन भी की गई, उसका भी कुछ विवरण नहीं हो पाया? नहीं, CVJL पे इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी हमारे पास में। टोटल लगभग 300 के आसपास कंप्लेन आई CVJL में बट पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पर्टिकुलर इसके दिस लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी एंड उसके यदि उसमें जब भी कंप्लेन आती है तो उसमें जियोटेक लोकेशन आती है तो उस लोकेशन पे अपनी FSTC टीम वहाँ पे पहुँचती है एंड देन लगेज विद इन समर मिनटा मध्य हम लोग उसमें एक्शन लेते हैं एंड उसके बारे में पूरा रिपोर्ट अपने यहाँ से कमीशन से लेके स्टेट लेवल से अपने डिस्ट्रिक्ट तक सभी जगह दिखता है एंड उसमें हमें परफॉर्मेंस भी करना होता है तो उस CVJL पे हमारे पास में कंप्लेन ना आने की वजह से ये बाद में कंप्लेन आई तो इसलिए उसमें क्या क्या एविडेंस हुए हैं, वीडियो में क्या क्या था,
उस सभी को हम चेक करके इसमें फाइनल डिसीजन दे पाएंगे।